सोलन देहरादून उच्च मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध गांव जोहड़ जी, जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गांव कई राज्यों के हिंदू और सिख धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ हजारों लोग आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आस्था का केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल सिग्नल नहीं है। अगर किसी को भी जरूरी बात करनी हो तो गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर बात करनी पड़ती है, जिस कारण नरेंद्र मोदी का अभियान डिजिटल इंडिया इस गांव से 3 किलोमीटर बाहर खड़ा नजर आता है और आज तक वे गांव में प्रवेश नहीं कर पाया है। रोष व्यक्त करते हुए गाँव वासियों ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उनका गांव स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका गांव डिजिटल इंडिया के सपने से अछूता है। यहां तक कि कभी आवश्यक बात करनी हो तो गांव से 3 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है। उनके महंगे मोबाइल गांव में पहुंचते ही शोपीस बन जाते हैं। बैंक और सरकारी अधिकारी उन्हें डिजिटल लेन देन की बात तो कहते हैं, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वे डिजिटल माध्यम अपना नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने देश व प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके गांव को डिजिटल बनाने में मदद की जाए। हमारे जोड़ जी में पिछले 10 सालों से NH सड़क बनी है, शिमला टू देहरादून हरिद्वार, और तब से लेके अभी तक हमारे पास सिग्नल नहीं है। दुनिया कह रही है इंडिया तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, उस नाम से आकर कोई हमारे गांव में यहां आके देखे, एक सिग्नल किसी भी प्रकार का, किसी भी सिम का, किसी चीज़ का सिग्नल नहीं है। मोदी साहब कह रहे हैं कि डिजिटल 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 पेमेंट ATM से करो, अपने मोबाइल से करो, डेबिट वो करो, सब सिग्नल यहाँ पे बात करने के लिए भी नहीं है। फ़ोन 10 हज़ार के फ़ोन ले रखे हैं, 20 हज़ार के वैसे ही पड़े हैं। जब किसी से कोई इमरजेंसी बात करनी है 3 किलोमीटर जाते हैं, बात करते हैं। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं है। हम तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे यहाँ की सुनाई हो जाए कुछ, यानी कि कुल मिला के पूरा क्षेत्र हमारा जो यहाँ का एरिया है, पूरी मार्केट जो है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। सर ऑनलाइन की बात, अब हमने ऑनलाइन पेमेंट डिपॉजिट करवानी किसी अकाउंट में तो वो कर नहीं पाते हैं। बैंक वाले हमें बोलते हैं कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग लो, पर नेट बैंकिंग का फिर फ़ायदा, अगर हमारे पास नेट चल रहा है तो फिर हम उसमें नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हमारे लिए वो फ़ोन तो खाली डब्बा बड़ा है।